सो ही गाइस, गुड मॉर्निंग एंड कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है 24 जनवरी को हम लोग को OB43 का अपडेट देखने को मिलने वाला, और सिर्फ एक या दो दिन बाकी रह गए आप लोग के अपडेट को आने में। लेकिन गाइस अपडेट करते हैं आप लोग गेम में कौन कौन से फ्री के रिवार्ड्स देखने को मिलने वाले, यानी गाइस OB43 स्पेशल फ्री के रिवार्ड्स के बारे में आज के दिन आप लोग को डिटेल्स के साथ बताने वाला हूं। साथ ही गाइस हम लोग बात करने वाले आप लोग की डबल डायमंड टॉप अपग्रेड के बारे में, कब तक आप लोग को देखने को मिलेगा। इसके अलावा गाइस मैं आप लोग को बताने वाला हूं OB43 अपडेट के बाद आप लोग को मेरे जितने भी कैरेक्टर्स है उनमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलने वाला है, किस तरीके से आप लोग के सभी कैरेक्टर्स वर्क करेंगे, सभी के बारे में आज के वीडियो हम लोग डिटेल्स के साथ बात करेंगे। इसी तरह और कुछ नए अपकमिंग इवेंट्स और अपडेट के साथ आप लोग कुछ लकी कमेंट्स का रिप्लाई भी इस वीडियो में दूंगा। तो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर से देखते रहना। पर गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से हमेशा एक तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहने वाली है कि अगर आप लोग को आज की मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आ रही चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आप लोग के लिए हमेशा इसी तरह करना से रिलेटेड एक छोटी छोटी अपडेट वीडियो सबसे पहले लेकर आता रहता हूं। सो गाइस अगर आप लोगों ने दोनों का बेल ले कर दिया तो बिना किसी देरी के बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करें आप लोग की डबल डायमंड टॉप ऑफ वेट के बारे में, जिसके लिए रिगार्डिंग गाइस आप लोग काफी सारे कमेंट्स आते रहते हैं। तो मैंने आप लोग को पहले ही बताया था ये हर एक बार के ओबी अपडेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आप लोग को डबल डायमंड का टॉप ऑफ देखने को मिलता है। ओबी 43 स्पेशल आप लोग को दिवाली इवेंट पर डबल डायमंड का टॉप ऑफ देखने को मिल चुका है। अब गाइस ओबी 43 अपडेट के बाद आप लोग को मेरे इंडिया सब पर डबल डायमंड या लाइसेंस का टॉप ऑफ देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल ये आता है कि कब देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप लोग को पता है हमारे इंडिया में भाई दिवाली एंड रमजान दोनों को फेस्टिवल को भाई बड़े बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। तो गाइस रमजान स्पेशल आप लोग को हमारे इंडिया सब पर डबल डायमंड का टॉप ऑफ दिया जाएगा। सो अगर आप लोग भी डबल डायमंड का टॉप ऑफ आने का वेट करें तो आज आप लोग वेट कर सकते हैं रमजान इवेंट के आने का तक का। उसी टाइम का आप लोग को डबल डायमंड और लेसिस मोड में से कोई एक टॉप ऑफ देखने को मिल जाएगा। हेलो गाइज, आज का वीडियो एक ट्रस्टेड बेटिंग वेबसाइट OneXBet द्वारा स्पॉन्सर्ड है। दोस्तों अगर आप भी घर बैठे आसानी से ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो आप OneXBet पर बहुत सारे पॉपुलर ऑनलाइन गेम्स लाइव कैसीनो खेल सकते हैं और साथ आप स्पोर्ट्स मैचेस पर प्रेडिक्शन करके भी अर्न कर सकते हैं। OneXBet का सबसे अच्छी बात यह है कि डिपॉजिट एंड विड्रॉल बहुत ईजी है, पेटीएम गूगल पे फोन पे से डिपॉजिट कर सकते हैं, साथ ही आपको 24/7 का कस्टमर सपोर्ट भी मिलेगा। आप यहाँ बहुत ही अमेजिंग गिफ्ट्स लाइक लेटेस्ट फोन्स कार्स और भी बहुत कुछ। सो गाइज अभी जाओ कमेंट पे पिन की लिंक से रजिस्टर करो या फिर स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन करो और फर्स्ट डिपॉजिट पर 42,900 तक का बड़ा बोनस पाने के लिए मेरे प्रोमो कोड MRMANNU43 को यूज करना मत भूलना। तो लेट्स OneXBet। इसके बाद में गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करें आप लोग के नेक्स्ट अपडेट के बारे में, यानी गाइस OB43 अपडेट के बाद आप लोग कौन कौन से नए कैरेक्टर्स में चेंजेस देखने को मिले हैं। तो सबसे ज्यादा आप लोग को सोनिया कैरेक्टर ने परेशान कर रखा है। बट गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अभी के टाइम पे गाइस आप लोग अगर सोनिया कैरेक्टर का यूज करते हो तो गाइस एलिमिनेट होने के बाद 3 सेकंड तक आप लोग जिंदा रह पाते हो। लेकिन गाइस OB43 अपडेट के बाद अगर आप लोग सोनिया कैरेक्टर का यूज करते हो तो गाइस 3 सेकंड की जगह सिर्फ आप लोग 2 सेकंड के लिए ही जिंदा रह पाओगे। तो यहाँ पे सोनिया कैरेक्टर को और भी ज्यादा डिक्रीज कर दिया गया, एंड गाइस मुझे लगता है कि भाई OB43 अपडेट के बाद सोनिया कैरेक्टर का बहुत कम यूज होने लगेगा। इसके बाद में गाइस जो नेक्स्ट यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो आप लोग का वुकुंग कैरेक्टर होने वाला है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अभी के टाइम पे अगर आप लोग वुकुंग कैरेक्टर का यूज करके बुश बनते हो तो गाइस 5% तक आप लोग की मूवमेंट स्पीड डिक्रीज कर दी जाती है। लेकिन गाइस OB43 अपडेट के बाद गाइस आप लोग की वुकुंग कैरेक्टर को काफी बढ़िया कर दिया गया, क्योंकि गाइस मैं आप लोग को बताऊं OB43 अपडेट के बाद अगर आप लोग वुकुंग कैरेक्टर का यूज करते हो तो गाइस बिल्कुल भी आप लोग की मूवमेंट स्पीड डिक्रीज नहीं होने वाली। बुश बनने के बाद भी गाइस आप लोग नॉर्मल मूवमेंट स्पीड के साथ गेम प्ले कर सकते हो। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट आप लोग का इग्निस कैरेक्टर होने वाला है जिसमें OB43 अपडेट के बाद चेंज किया जाएगा। गाइस अगर आप लोग अभी के टाइम पे इग्निस कैरेक्टर का यूज तो ये अपने से 15 मीटर डिस्टेंस तक गाइस एक 10 मीटर लंबी फ्लेमिंग स्क्रीन बनाता है जो कि यार 8 सेकंड तक रहती है और एनिमी के फ्लेमिंग स्क्रीन में आते हैं इंस्टेंट 30 HP का डैमेज लगता है और 2 सेकंड तक 10 HP का यानी कि टोटल 50 HP का डैमेज आता है। लेकिन गाइस OB43 अपडेट के बाद अगर आप लोग इग्निस कैरेक्टर का यूज करने वाले हो तो गाइस ये कैरेक्टर भी अपने से सेम 15 मीटर डिस्टेंस पर ही 10 मीटर की जगह 12 मीटर लंबी एक फ्लेमिंग स्क्रीन बनाएगा, एंड गाइस ये जो स्क्रीन है लगभग 8 सेकंड की जगह अब 12 सेकंड तक रहने वाली है। बस इतना ही नहीं गाइस अब ये इंस्टेंट 30 की जगह 20 HP का डैमेज देगा, साथ ही में 2 सेकंड तक 20-20 का और देगा यानी टोटल 60 HP तक डिक्रीज कर देगा, जबकि अभी के टाइम पे सिर्फ 50 HP तक एनिमी की SP डिक्रीज हो पाती है एंड इसमें कूल डाउन टाइम आप लोग को 60 सेकंड देखने को मिल जाता है। ड्यूरेबिलिटी भी गाइस यहाँ पे 20% तक डिक्रीज करने वाला है। तो कहीं ना कहीं गाइस इस बार के OB43 अपडेट में आप लोगों के इग्निस कैरेक्टर को यहाँ पे इंप्रूव किया गया एंड शायद हो सकता है OB43 अपडेट के बाद इग्निस कैरेक्टर का ज्यादा प्लेयर्स यूज करने लग जाए। इसके बाद गाइस नेक्स्ट जो कैरेक्टर यहाँ पे होने वाला है आप लोग का एंटोनिया कैरेक्टर होने वाला है। गाइस इस कैरेक्टर को यहाँ पे डिक्रीज किया गया, गाइस अभी के टाइम पे अगर आप लोग इस कैरेक्टर को लेकर खेलते तो आप लोग को 40 एक्स्ट्रा शील्ड पॉइंट मिलते हैं। लेकिन गाइस OB43 अपडेट के बाद अगर आप लोग इस एंटोनियो कैरेक्टर को लेकर खेलने वाले तो गाइस आप लोग को 40 की जगह 30 ही एक्स्ट्रा शील्ड पॉइंट मिलने वाला है, यानी गाइस इसको यहाँ पे कहीं ना कहीं डिक्रीज किया गया। अगर आप लोग इसे लेकर खेलते तो भाई हो सकता है इसका यूज कम करने लग जाओ OB43 अपडेट के बाद। इसके बाद गाइस नेक्स्ट आप लोग का ओरियन कैरेक्टर होने वाला है जिसमें OB43 अपडेट के बाद चेंज देखने को मिलेगा। गाइस अगर आप लोग अभी के टाइम पे ओरियन कैरेक्टर का यूज करते हो तो गाइस सिंपली आप लोग जैसे इसका यूज करते हो एनिमी से 10-10 करके 30 तक SP ऑब्जर्व कर लेता है लास्ट 3 सेकंड के लिए, एंड गाइस आप लोग को एनिमी डैमेज तक नहीं कर पाता एंड आप लोग की मूवमेंट पे भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन गाइस
अगर आप लोग OB43 अपडेट के बाद अपने ओरायन कैरेक्टर का यूज करने वाले, तो जैसे आप लोग इसका यूज करते हो तो एनिमी की 10-10 करके 3 सेकंड तक एसपी तो ऑब्जर्व करेगा, यानी कि टोटल 30 SP तो ऑब्जर्व कर लेता है। लेकिन इस दौरान 3 सेकंड के लिए आप लोग की मूवमेंट स्पीड लगभग 20% तक ये डिक्रीज कर देगा, यानी कि 20% धीरे आप लोग मूवमेंट कर पाओगे। तो कुछ इस तरीके से आप लोग के ओरायन कैरेक्टर को यहाँ पे डिक्रीज करने की कोशिश की गई है। एंड हो सकता है OB43 अपडेट के बाद इसका प्लेयर्स थोड़ा बहुत कम यूज करने लग जाए। इसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टर होने वाला आप लोग का तस्वीर कैरेक्टर होने वाला, जिसमें OB43 अपडेट के बाद चेंज किया गया है। एंड गाइस इस वाले कैरेक्टर को भी यहाँ पे डिक्रीज करने की कोशिश की गई। गाइस अगर आप लोग अभी के टाइम पे तत्सुया कैरेक्टर का यूज करते हो तो गाइस आप लोग 3 बार यहाँ पे बूस्ट कर सकते हो, यानी गाइस स्पीड अप से भाग सकते हो कुछ 0.3 सेकंड के लिए, यानी गाइस एक एक्टिव स्किल का आप लोग 3 बार यूज कर पाते हो। लेकिन गाइस OB43 अपडेट के बाद गाइस आप लोग अगर इस कैरेक्टर का यूज करने वाले हो तो गाइस 3 बार की जगह आप लोग 2 ही बार स्पीड अप से भाग पाओगे, यानी गाइस तेजी से भाग सकते हो। यानी गाइस इस वाले स्किल का OB43 अपडेट के बाद 3 की जगह आप लोग 2 ही बार यूज कर पाओगे एक टाइम पर। तो कुछ इस तरीके से गाइस आप लोग के तत्सुया कैरेक्टर को भी OB43 अपडेट में यहाँ पे डिक्रीज करने की कोशिश की गई है। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट आप लोग का होमर कैरेक्टर होने वाला है, जिसमें OB43 अपडेट के बाद चेंज देखने को मिलेगा। गाइस अगर आप लोग अभी के टाइम पे होमर कैरेक्टर का यूज किसी भी एनिमी के ऊपर करते हो तो एनिमी की मूवमेंट स्पीड ये 60% तक डिक्रीज कर देता है, साथ ही में उसकी फायरिंग स्पीड भी यहाँ पे 35% तक डिक्रीज कर देता है। लेकिन गाइस OB43 अपडेट के बाद अगर आप लोग इस होमर कैरेक्टर का यूज करने वाले एनिमी के ऊपर, तो गाइस वो 40% मूवमेंट स्पीड सामने वाले एनिमी की डिक्रीज करेगा, यानी गाइस मूवमेंट स्पीड को तो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, मतलब यानी कि पहले की जितना एनिमी की मूवमेंट स्पीड पे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गाइस फायरिंग स्पीड यहाँ पे 20 की जगह 40% तक डिक्रीज होने वाले। साथ ही गाइस इसका कूल डाउन टाइम भी यहाँ पे 90 सेकंड से घटाकर 60 सेकंड कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं होमर कैरेक्टर को यहाँ पे इंक्रीज करने की कोशिश की गई, एंड हो सकता है OB43 अपडेट के बाद होमर कैरेक्टर का प्लेयर्स ज्यादा यूज करने लग जाए। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट आप लोग का क्रोनो कैरेक्टर होने वाला, जिसमें OB43 अपडेट के बाद चेंज किया गया। गाइस आप लोग इसमें थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलेगा, ज्यादा कुछ तो इसमें चेंजेस नहीं किए गए। लेकिन गाइस अभी के टाइम पे अगर आप लोग क्रोनो कैरेक्टर का यूज करते हो तो गाइस इसमें आप लोग को कूल डाउन टाइम 110 सेकंड देखने को मिल जाता है, जो कि काफी लॉन्ग टाइम है। एंड गाइस आप लोग अगर इस कैरेक्टर का OB43 अपडेट के बाद यूज करने वाले तो गाइस इसका कूल डाउन टाइम यहाँ पे 110 सेकंड से घटाकर 75 सेकंड कर दिया गया, जो कि काफी कम कर दिया गया। एंड बहुत ही जल्दी गाइस आप लोग की स्किल रिचार्ज हो जाएगी, एंड बार बार आप लोग अपने क्रोनो कैरेक्टर का यूज कर सकते हो। तो इस वाले कैरेक्टर में गाइस आप लोग को OB43 अपडेट के बाद चेंज देखने को मिलने वाला है। इसके बाद में गाइस OB43 अपडेट का सबसे पावरफुल कैरेक्टर आप लोग को शांतिनो कैरेक्टर देखने को मिलने वाला है। गाइस अभी के टाइम पे अगर आप लोग शांतिनो कैरेक्टर का यूज करते हो तो गाइस इसका यही काम है कि भाई आप लोग जो डमी बनाते हो, यानी गाइस जो डमी की जगह आप लोग टेलीपोर्ट हो पाते हो, वो सिर्फ एक ही बार हो पाते हो। लेकिन गाइस OB43 अपडेट के बाद गाइस अगर आप लोग इस शांतिनो कैरेक्टर का यूज करने वाले हो तो गाइस आप लोग को जो 3 सेकंड मिलते हैं डमी की जगह टेलीपोर्ट होने में, उन 3 सेकंड में गाइस आप लोग एक बार नहीं बल्कि दो बार टेलीपोर्ट हो सकते हो। यानी गाइस जैसे आप लोग मान लो कि किसी भी एनिमी को मारने के लिए आप लोगों ने डमी छोड़ा या टेलीपोर्ट होने के लिए आप लोगों ने डमी छोड़ा, तो गाइस वहां पे आप लोग टेलीपोर्ट होकर तुरंत से एनिमी को मार के वापस से गाइस आप लोग उसी जगह पर टेलीपोर्ट हो सकते हो जहां से आप लोगों ने फर्स्ट टाइम शुरू किया था। तो भाई काफी कमाल का कैरेक्टर होने वाला है, सबसे ज्यादा पावरफुल भी कैरेक्टर होने वाला हो सकता है OB43 अपडेट के बाद शांतिनो कैरेक्टर का ज्यादा यूज करने लग जाए प्लेयर। तो ये कैरेक्टर भी गाइस आप लोग को OB43 अपडेट के बाद देखने को मिलेगा, जो कि सबसे पावरफुल कैरेक्टर आप लोग मान सकते हो OB43 अपडेट का। बाकी गाइस OB43 अपडेट के बाद आने वाले न्यू कैरेक्टर के स्किल का रिव्यू मैं आप लोग को पहले की वीडियोस में करके बता चुका हूं। तो कुछ इस तरीके से गाइस आप लोग को हमारे OB43 अपडेट के बाद कुछ कैरेक्टर्स में चेंजेस देखने को मिल जा रहे, जो कि सारे मैंने आप लोग को यहां पे बता दिए। गाइस आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना कि इन सब कैरेक्टर्स में से आप लोग कौन-कौन से कैरेक्टर का सबसे ज्यादा OB43 अपडेट के बाद यूज करने वाले हो। इसके बाद में गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करें आप लोग की नेक्स्ट अपडेट क्या है, यानी गाइस OB43 स्पेशल फ्री रिवार्ड्स क्या है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, एक बार के ओपी अपडेट में आप लोग को न्यू गोल्ड और न्यू एफएम टोकन या गाइस न्यू आप लोग को हमारे इंडियन सुपर लक रॉयल इवेंट देखने को मिलता है। लेकिन गाइस अभी तो कुछ टाइम से आप लोग के एफएम टोकन स्टोर को भी अपडेट नहीं किया जा रहा, तो क्या पता आप लोग को एफएम टोकन स्टोर में भी अपडेट देखने को मिल जाए, यानी नया बंडल देखने को मिल जाए। लेकिन फिलहाल इसके लिए कंफर्मेशन नहीं हुआ है, तो वो सब चीजों के बारे में आप लोग को पहले बता चुका हूं। बाकी गाइस आप लोग यहां पे देख सकते हो OB43 अपडेट के बाद आप लोग एक जिप की स्किन, एक साइटो की स्किन, एक सीडी, एक इमोट एंड एक फीमेल के बदले के साथ ही हमारा न्यू रेदन करेक्टर भी बिल्कुल फ्री में क्लेम करने को मिलने वाला है। तो ये आप लोग के अपडेट स्पेशल रिवार्ड है, जो कि गाइस आप लोग को हमारे इंडियन सपर देखने को मिलेंगे, यानी गाइस आफ्टर अपडेट आप लोग को फ्री में हमारे केओज इवेंट से क्लेम करने को मिल जाएंगे। बाकी गाइस कुछ लकी कमेंट्स के बारे में बात करें, तो फर्स्ट कमेंट में राज प्लेज ने पूछा मनु भाई फ्यूचर में क्या फीमेल का ई बंडल देखने को मिलेगा, तो शायद नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि यार फीमेल के प्लेयर्स बहुत ही कम है, इसलिए यार करने वाले फीमेल के वर्ल्ड को डिजाइन ही नहीं करते। फिर नेक्स्ट अकाउंट में एंड शोनर ने पूछा न्यू फिस्ट स्किन कब आएगा, तो गाइस आफ्टर अपडेट जब आप लोग को होली इवेंट देखने को मिलेगा तब हमारे इंडिया सुपर न्यू फिस्ट स्किन देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट अकाउंट में यहाँ पे एक्स क्रेजी FFX ने पूछा है मनु भाई वैलेंटाइन पे क्या हम लोग को रोज एंड हार्ट इमोट रिटर्न देखने को मिलेगा, तो गाइस देखो शायद ना देखने को मिले एंड लेकिन आप लोग को बी माई वैलेंटाइन का इमोट जरूर से रिटर्न देखने को मिल सकता है। लास्ट अकाउंट में आशीष FFX ने इमोट कैप्सूल इवेंट रिटर्न के बारे में पूछा है, तो गाइस वैलेंटाइन स्पेशल 2 इमोट को डिजाइन किया गया, तो हो सकता है एक इमोट आप लोग को हमारे इमोट कैप्सूल इवेंट में देखने को मिल जाए। तो देखते हैं वैलेंटाइन में देखने को मिलता है नहीं मिलता, बाकी अगर जैसे मुझे पता लगेगा तो आप लोगों को जरूर से बता दूंगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, होप करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ज्यादा सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
We'll be right back.